बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में कि सेल की स्टडी के लिए जो माइक्रोस्कोप है वो उसका क्या काम है, वो किस तरह से जो है वो काम करती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में फासले को वाजे करके देखना, उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको अच्छी तरह से देख लेने को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइस। हमारी आँख जो है उसकी रेजोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो वो वन मिलीमीटर होती है, यानी कि दो ऐसे पॉइंट जिनके दरमियान में फासला कम से कम वन मिलीमीटर हो उनके दरमियान में ये डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर फासला इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी आँख भी उसको नहीं देख पाती। अगर इसका आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के ऊपर जो लिखा होता है उसको अपनी आँख के करीब लेके आते जाएँ, जब आपकी आँख के बिल्कुल करीब दो वर्ड लिखे हुए आ जाएँ और वो नहीं नज़र आएंगे, धुंधले हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपकी आँख की जो रेजोल्यूशन है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन होती है इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लेंस। जो लेंस होते हैं जैसे कि खुर्दबीन होती है माइक्रोस्कोप जो है, या दूरबीन होती है, उसके जो लेंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी चीज़ की रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये मोबाइल होता है, मोबाइल का जो कैमरा है उसके जो अच्छे पिक्सल वाला कैमरा होता है जिसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी रेजोल्यूशन हाई है, वो अच्छे तरीके से उसको तस्वीर को बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें जो है वो माइक्रोस्कोप से हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को ये ह्यूमन की आई है, ये लेंस लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये आपको बड़ा होकर नज़र आएगा। बेसिकली ये वाला जो इमेज आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ वर्चुअल, ये हकीकी इमेज नहीं है, ये गैर हकीकी है, हकीकी इमेज ये वाला है। तो इसको बड़ा करके दिखाता है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये माइक्रोस्कोप का ही काम है। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले जो थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी, उसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा जैसे जैसे साइंस में तरक्की होती गई तो माइक्रोस्कोप में भी जो है वो डेवलपमेंट होती गई। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है इसमें सिंपल लाइट इस्तेमाल की जाती है और इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है। आपकी बुक पे जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है ये वहाँ से उठाया गया है, ये वाला पॉइंट जो है, तो इसमें ये आपको MCQs में आ सकता है। यहाँ पे बात वो कर रहा है कि 500x मोर देन आई, जो हमारी आँख है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 mm, लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है तो इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 2 माइक्रोमीटर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना। इसमें डिफरेंट किस्म के जो लेंस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है ओकुलर लेंस और एक होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस। ओकुलर लेंस हम उसको बोलते हैं जो हमारी आँख के करीब होता है। आप लोगों को लैब के अंदर जो है वो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखी होगी उसका, इसको ओकुलर लेंस को आप आई पीस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो वाला होता है जो स्टेज के बिल्कुल करीब होता है, बल्कि ये माइक्रोस्कोप मेरे पास है इधर, डायग्राम है तो मैं इसमें आपको समझा ही देता हूँ कि इसमें ओकुलर लेंस कौन सा होता है। ये वाला जो लेंस आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लेंस ऊपर लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड ओकुलर लेंस, या इसको आई पीस भी बोलते हैं। और ये वाला जो लेंस आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर दी ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ओकुलर लेंस है और ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। किसी भी माइक्रोस्कोप की पावर चेक करने के लिए ओकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है ओकुलर, इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है। तो रेजोल्यूशन पावर जो है वो हम इस लेंस को चेंज करके हम लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट लेंस हैं, उनकी पावर को दिखाया गया है, 20x है, 40x है, 100x है, तो ये आ गया। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? अगर आप मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने की जो पावर होती है माइक्रोस्कोप की, उसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन पावर।
ये बड़े ही इम्पोर्टेंट, ये जो आपकी बुक में जो दूसरे पेज के ऊपर येलो कलर का जो बड़ा सारा बॉक्स बना हुआ है, उसमें 3 MCQs हैं और 2 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशन पावर, उसकी डिफाइन है। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में फासले को बताना जो है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर। तो रेजोल्यूशन पावर ह्यूमन आई जो है उसकी 1 mm होती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी 2 माइक्रोमीटर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी 2 to 4 एंगस्ट्रम होती है। ये 3 मैंने रेजोल्यूशन पावर बताई हैं। ह्यूमन आई की जो है वो 1 mm होती है, जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी 2 माइक्रोमीटर होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रम होती है। इन तीनों में से एक एमसीक्यू पक्का आता है पेपर में। अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट, वो है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं ऑकुलर लेंस यानी कि आईपीस के लेंस की पावर को और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन एलुमिनेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलुमिनेशन का मतलब होता है जो लाइट हम देते हैं। जो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें तो हम सिंपल बल्ब की लाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें एलुमिनेशन लाइट का सोर्स जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए वो चीज़ों को नज़दीक से ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़ा करके दिखा देती है। ये आप लोगों को कुछ सेल्स वगैरह हैं दिखाए गए हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, तो क्या कहते हैं ये हम माइक्रोस्कोप से इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास जो दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये वाली, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, BZU मुल्तान में है, JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और एक दो जगहों पे और माइक्रोस्कोप मौजूद है। ये जो मतलब चंद एक जगहों पे ही पाकिस्तान में है, हर जगह पे ये मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम का मतलब है कि एक लेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंके जाते हैं। जिस चीज़ को हमने देखना होता है तो उसकी एक लेयर फेंकी जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में से गुजरती है। इस तरह से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। स्मॉलर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। बेटर रेजोल्यूशन, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान में बड़ी आसानी से डिस्टेंस जो है उसको मैयर करके बता देती है, हमें देखने में आसानी रहती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एक मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन, वो ये है 2 to 4 एंगस्ट्रम, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थी वो आपके पास थी 2 माइक्रोमीटर, और जो ह्यूमन आई है उसकी थी 1 mm। तो ये तीनों रेजोल्यूशन आप लोगों ने याद रखनी है। एक आपके पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, एक ह्यूमन आई की है, और ये वाली जो आपके पास पड़ी हुई है ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये आप लोगों को सब की रेजोल्यूशन पावर जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये पेपर में आ जाता होता है। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 500 times ग्रेटर देन दी लाइट माइक्रोस्कोप। ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। यानी कि 2.5 लाख गुना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें रिवाइज करने लगा हूँ। एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास ह्यूमन आई है उसकी 1 mm है रेजोल्यूशन पावर, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी 2 माइक्रोमीटर है, और ये वाली जो है वो 500 गुना ज़्यादा है इंसान की आँख से। यानी कि ये वाली जो आपके पास रेजोल्यूशन पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये 500 times जो है वो लार्जर देन दी या ग्रेटर देन दी ह्यूमन आई इंसानी आँख से। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 2.5 लाख गुना ज़्यादा है, किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से, इससे, ये लाइट माइक्रोस्कोप से 2.5 लाख गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये वाले जो आपको इमेज नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वाला जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो मॉस्किटो होता है मच्छर,
उसके हेड का और उसके माउथ के पार्ट जो हैं, उसके मच्छर के मुंह की तस्वीर है ये, जिसकी वजह से ये देखें ये हमको काटता है और खून चूसता है। ये उसके हिस्से दिखाए गए हैं और ये हिस्से जो हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकते हैं। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली उसका जो डंग से बने हुए हैं, ये वाले जिसकी मदद मतलब से ये काटता है और खून चूसता है। ये उसकी आँखें हैं, ये वाली, ये उसकी आइज़ हैं और ये उसके माउथ पार्ट्स हैं। तो ये देखें कितनी बारीकी के साथ जो है वो तस्वीर बनी हुई है। और ये तस्वीर किससे बनाई गई है? ये बनाई गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये पेपर में लाजमी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके पास सेल्फ फ्रैक्शनेशन। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन, इसकी हेडिंग होगी व्हाट इज़ सेल्फ फ्रैक्शनेशन और इसके फंक्शन क्या है। इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग जो हैं वो जो सेल होता है, सेल या टिश्यूज़ का मिक्सचर बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। मिक्सचर बनाने के बाद उसको हम लोग होमोजेनाइज करते हैं। होमोजेनाइज का मतलब होता है यकजा कर देना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है घुमाते हैं उसको, ठीक है। जैसे दही के अंदर मुलानी घुमाते हैं और मक्खन का वज़न कम होता है तो ऊपर आ जाता है, और लस्सी का वज़न जो है ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नीचे रह जाती है। इसी तरह से सेल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो सेल के कम डेंसिटी वाले हिस्से होंगे वो ऊपर आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, और जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होंगे वो नीचे रह जाते हैं। इस तरह से हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को सेंट्रीफ्यूज करके, अलग अलग करके, सेपरेट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली क्या कहते हैं, ये वाली मशीन छोटी सी बनी हुई, ये वाली बेसिकली दिस इज सेंट्रीफ्यूज। इसमें हम क्या करते होते हैं, सेल को लेते हैं, सेल को क्या करते हैं, मिक्सर बनाते हैं उसका। मिक्सर बना के उसको टेस्ट ट्यूब में लेके जाते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस के ऊपर, डेंसिटी के बेस के ऊपर, सेल के हिस्से जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जिनका वज़न कम होता है वो ऊपर लेयर बनाते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है वो नीचे लेयर बनाते हैं। इस तरह से इनको सेपरेट करके डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर, सेंट्रियूल्स, प्लास्टिड, इसके बाद जो कुछ भी इसमें होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कुछ भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो सारे का सारा जो है वो इसके थ्रू अलहदा किया जाता है और फिर उसकी स्टडी की जाती है डिटेल में, और यही इसका यूज़ है। तो स्पन एट हाई स्पीड, यानी कि इसको हाई स्पीड पे जो है वो घुमाया जाता है, तकरीबन कोई 12 से 13 हज़ार रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 12 हज़ार दफ़ा चक्कर लगवाए जाते हैं मशीन के अंदर, और इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़, डेंसिटी एंड शेप। तो इसकी शेप, डेंसिटी और साइज की बेस के ऊपर जो है वो इसकी मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं, और जिस लेयर के बारे में हमने स्टडी करनी हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, जो भी ऑर्गेनेल के बारे में हमने स्टडी करनी है उसको हम अलहदा कर लेते हैं। एक यहाँ पे और पॉइंट आएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, अल्ट्रा का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ी डीपली जाके स्टडी करना, बहुत ज़्यादा स्पीड, हाई स्पीड के साथ जो है इसको घुमाया जाता है। एक सिंपल है सेंट्रीफ्यूगेशन और एक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या किया जाता है, हाई स्पीड के साथ जो सेल्स का, टिश्यूज़ का जो मिक्सचर हमने बनाया होता है उसको बड़ी हाई स्पीड के साथ घुमाया जाता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सेल के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाली जो आपको मशीन नज़र आ रही है, ये वाली, दिस इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये बेसिकली क्या कर रही है, इसमें आप देखें तो ये आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक ये वाली है, एक ये है, इसके अंदर होमोजेनाइज मिक्सर है, और नीचे ये वाली आपको नज़र आ रही है, इसके साथ टेस्ट ट्यूब को जो है वो अटैच करके इसके अंदर रख के इसको घुमाया जाता है, और जैसे जैसे ये घूमती जाएगी स्पीड के साथ 12 हज़ार चक्कर एक मिनट में ये लगाएगी, और जैसे जैसे ये घूमती जाएगी इस तरह से इसके हिस्से जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट, और जब इसे सेपरेट होते हैं तो फिर इसकी हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में। तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफ़ाइन सेल्फ फ्रैक्शनेशन, सेल्फ फ्रैक्शनेशन को डिफ़ाइन करें और इसकी इम्पोर्टेंस दें, यानी कि इसके यूजेस दें। यूजेस इसके क्या है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन है क्या, हम लोग हाई स्पीड पे सेल्स और टिश्यूज़ का मिक्सर बना के उसको घुमाते हैं,
सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। जब हिस्से अलग हो जाते हैं तो हम उनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम लोग जो है वो सेल्स की टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग सेल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।